टू आर एस आर फाइनेंस। सो दोस्तों वेलकम बैक टू आर एस आर फाइनेंस। तो दोस्तों आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर एस आर फाइनेंस पे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मो क्रेडिट पे लेटर में जो है आपको लिमिट मिली है या नहीं मिली है ये तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन जिनको मिली है उनको मैं प्रूफ आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने की लिमिट मिली है और यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हुआ था। पहले लिमिट दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मो क्रेडिट अप्लीकेशन नाम है 3000 रुपीज़ की, मतलब 3000 रुपये की जो है यहाँ पर इनको लिमिट मिली थी और यहाँ पर जो इन्होंने लिमिट यूज़ कर ली है जैसा कि आउटस्टैंडिंग मतलब 3060 रुपये इनको पे करने होंगे। और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं सो बिट योर क्यूआर कोड का, मतलब क्यूआर कोड पे भी आप स्कैन करके अपनी जो लिमिट को है ये वो लिमिट यूज कर सकते हो और डिटेल्स का ऑप्शन है और रीपेमेंट का भी है यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन नाम है मो क्रेडिट स्कैन एंड पे एंड लेटर। भाई ये पे लेटर है एक तरह का और यहाँ पर जो है आपको लिमिट देखने को मिल जाती है 10000 रुपये तक की भी, जो भी आपको लिमिट मिलेगी उस लिमिट को आप यहाँ से जो है यूज़ कर सकते हो। अच्छी एप्लीकेशन है भैया, यहाँ से भी आप लोगों को जो है लिमिट मिल जाती है। अगर आप लोग भी यहां से लिमिट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और एक ऑप्शन और मिलता है आप लोगों को ऑटो सेट ऑटो पे का, मतलब ऑटो रीपेमेंट का जो है ऑटोमेटिक जो है ई मैनी डेट लग जाएगा आपके अकाउंट से, जिससे जो है आपको जो है रीपेमेंट मैनुअल नहीं करनी होगी और ऑटो डेबिट भी आप लगा सकते हो। भाई एक अच्छी पे लेटर है, स्कैन क्यूआर कोड पे करके फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे जिस मर्जी पे आप पेमेंट कर सकते हो बार कोड पर, और यहाँ पर जो है आपको एक तरह की जो है लिमिट मिलेगी, एक तरह का लिमिट मिलेगा। भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोडिंग करके आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। भाई आप लोग भी यहाँ से ले सकते हो, नया पे लेटर है, न्यू पे लेटर है, आप यहाँ से भी जो है लिमिट ले सकते हो और उससे लिमिट को यूज भी कर सकते हो। दोस्तों आप लोग भी, मैं आपको बता दूं, आप लोग भी यहां पर जो है डिजिटल लॉकर से ही आपको जो है लॉगिन करना है, ध्यान रखना यहां फास्ट अप्रूवल बिट डिजिटल लॉकर, ठीक है। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आप उससे ही लॉगिन करके जो है ईकेवाईसी करना, अदरवाइज नॉर्मल से मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।